जैसा कि हम जानते हैं, काफ़ी किसानों के द्वारा हम लोगों ने जो यहाँ पे करने की कोशिश की है, बैकयार्ड कुक्कुट पालन की जो विधि है उसके बारे में हम थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत में जो बैकयार्ड या जो घर के पीछे मुर्गी पालन की जो पद्धति है वो काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है, और जो देश में 19 ब्रीड्स हमारे देश की हैं, नेटिव बर्ड्स जिनको हम कहते हैं, जो देसी मुर्गियों की ब्रीड्स है, वो 19 ब्रीड्स हमारे भारत में पाई जाती हैं। लेकिन जब से ये बैकयार्ड कुक्कुट पालन में एक चीज़ देखी जाती थी हमेशा, कि उनके अंडे देने की क्षमता ज़्यादा नहीं होती थी, 70 से 80। यद्यपि उनकी जो लागत है, रखरखाव की जो लागत है वो काफ़ी कम होती थी, परंतु उनके अंडे देने की क्षमता 70 से 80 ही होती है प्रतिवर्ष। और जो उनका मैच्योर बॉडी वेट है, जिनको हम शारीरिक भार कहते हैं, जो मांस के उत्पादन में जो हमें मिलता है, वो काफ़ी कम देखा जाता था। इसीलिए कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ का वो किया गया। देसी मुर्गी पालन को हम कम पूंजी, थोड़ी जमीन और थोड़ी सी मेहनत करके आसानी से कर सकते हैं। मुर्गी पालन का चयन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इस व्यवसाय से अच्छा लाभ हो, इसके लिए अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार मुर्गियों की नस्लों का चयन करना चाहिए। साथ ही नस्लों का चयन करते समय द्विकाजी नस्लों के पालन पर ज्यादा जोर दें, जिससे मांस और अंडे दोनों अच्छी मात्रा में मिले। जैसे कि ग्राम प्रिया हो गई, या वन राजा हो गया, गिरी राजा हो गए, ये सब इम्प्रूव वेराइटीज़ को भी आजकल बैकयार्ड कुक्कुट पालन में लिया जाता है। तो इसमें फ़ायदा ये है हम लोगों की, ये खासकर बिहार के परिदृश्य में हम लोगों ने देखा है कि जो इम्प्रूव वेराइटीज़ का हम लोगों ने जहाँ जहाँ इंट्रोडक्शन किया है, वहाँ पर किसान काफ़ी मात्रा में जो उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है और जो उनका रख रखाव का से जो उत्पादन उनकी क्षमता है, या जो उनका प्रतिफल है, जो उनका फ़ायदा है किसानों का, वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो मतलब इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग की, इनके अंडे देने की क्षमता काफ़ी अच्छी देखी गई है। लगभग 100 से 120, 130 अंडे भी देने की क्षमता इनकी रहती है। यद्यपि जो इस परिदृश्य में है वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा है कि लगभग 90-100 अंडे तो मिल ही जाते हैं किसान को। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएँ। मुर्गी की यह नस्ल कालामासी के रूप में जानी जाती है और मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है। इसके एक दिन के चूजों का रंग नीले और काले के मिश्रण जैसा होता है। वयस्क पक्षी के पंख नीले और काले रंग के होते हैं। त्वचा, चोंच, टांग, पैर की उंगलियों और नर एवं मादा के पैरों के तलबों का रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है। कड़कनाथ का मांस दिल की बीमारियों तथा अधिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है। तो ये जो इम्प्रूव वेराइटीज़ हैं, इनका जो मैच्योर बॉडी वेट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। 2.5 से 3 किलो जो इनका मैच्योर बॉडी वेट है या मार्केटिंग बॉडी वेट है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा गया है। तो ये जो जो नस्लें हैं, जो इम्प्रूव वेराइटीज़ हैं, जो स्ट्रेन्स हैं, इनको जो हम लोगों ने खासकर हम लोगों ने यहाँ पे वनराजा का इंट्रोडक्शन किया है अपने एरियाज़ में, जिसकी अंडे देने की क्षमता और मांस उत्पादन की जो क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो वनराजा 6 से 7 महीने में अंडा देना शुरू कर देता है, और इसका एक जो मतलब पूरा साइकिल है उसमें लगभग 100 अंडे मिलने की मतलब किसान को वो रहती है। तो हम लोगों ने यही देखा कि जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें अगर किसान शुरुआती दिनों में थोड़ा सा ध्यान दे, मतलब उसमें तीन ही चीज़ मेन है। कभी भी किसी भी बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग या पोल्ट्री फार्मिंग का मेन खर्चा उसके दाना या उसके भोजन प्रबंधन पे आता है। तो अगर उसका भोजन प्रबंधन और उसका शुरुआती ब्रूडिंग मैनेजमेंट सही किया जाए तो हम देखते हैं कि किसान इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। शुरुआती ब्रूडिंग प्रबंधन में उसके टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखते हैं, जो कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पहले वीक में, और प्रति वीक उसको 5-5 डिग्री फ़ारेनहाइट घटाते जाना रहता है। 6 हफ्ते के बाद ब्रूडिंग कट की कोई ज़रूरत नहीं रहती है इन जो देसी चिकन्स हैं उनको, और जो उनका फीडिंग मैनेजमेंट है, ब्रूडिंग मैनेजमेंट, फीडिंग मैनेजमेंट और पोषण प्रबंधन, ये तीन ऐसे आयाम हैं बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के, जिनका हमें विशेषता ध्यान रखना होता है, या जो हम बताते हैं किसानों को उसका विशेषता ध्यान रखने के लिए। तो जो ब्रूडिंग मैनेजमेंट है उसके बाद हमारा फीडिंग मैनेजमेंट आता है। खासकर ये जो इम्प्रूव वेराइटीज़ हैं, इनको अगर हम लगभग 50-60 ग्राम 80 ग्राम दाना प्रतिदिन दें और उसको आसपास के वातावरण में चरने के लिए छोड़ दें, तो ये उनके लिए काफ़ी मतलब अनुकूल स्थिति रहती है। और ये आसपास के अपने वातावरण से जो कीड़े मकोड़े हैं या बाकी जो अवशेष हैं, हमारे यहाँ पे किचन गार्डन है या आसपास का बैकयार्ड में भी जो लोग पालते हैं, उनके किचन से निकले हुए सभी अवशेषों को ये ग्रहण करके इनसे उच्च उत्पादन वाला या उच्च उत्पादन मांस और उच्च क्वालिटी का मांस बनाने में की ये क्षमता रखते हैं।